जा तुम इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बचा सकते हो ना? बहुत कम है? क्या मतलब, किससे बचना है? मेरे खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू हो गया, एक मर्डर के केस में। पुलिस कुछ ही देर में मेरे घर आती होगी। मुझे एक लॉयर की ज़रूरत थी तो तुम्हारे पास चला आया। मुझे हेल्प चाहिए। मर्डर केस, क्या बोल रहे हो? सुकून से बैठो, पानी पियो और मुझे पूरी बात बताओ। कल रात मेरी ट्रेन थी 10:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है। मैं आपका अखबार रोज़ पढ़ता हूँ, बिग फैन। थैंक यू। क्या करते हो आप? मैं एक नॉवलिस्ट हूँ, अभी अपना पहला नॉवल पब्लिश किया है। That's great. कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कराची जा रहा हूँ, एक पब्लिकेशन हाउस से मीटिंग के सिलसिले में। और आप? मैं भी कराची जा रहा हूँ। ओह, तुम दोनों के अलावा उस वक्त लॉबी में कोई भी नहीं था और तुमने किसी को आते या जाते देखा? नहीं। और तुम्हारा अरेस्ट वारंट क्यों इश्यू हो गया? वो उस हैमर पे मेरी उंगलियों के निशान थे ना। तो तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे और उस एडिटर के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था? तुम्हारी आंख लग गई और जब तुम उठे तो उस एडिटर का कत्ल हो चुका था और उस हैमर पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं और कत्ल तुमने नहीं किया? नहीं, मुझे क्या जरूरत है कत्ल करने की? मैं तो कराची जा रहा था और ये सब हो गया। शक की बेस पे पुलिस ने मुझे जाने नहीं दिया। उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। सबूत तुम्हारे खिलाफ है, मौजूद भी सिर्फ तुम थे उस वक्त। तो आई डोंट नो यार, तुम मुझे ये बताओ मुझे इससे निकाल सकते हो कि नहीं? वेल, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कातिल कहाँ से आया और किधर गया। तो मुझे एग्जैक्ट मैप बताओ जहां तुम बैठे थे और जहां कत्ल हुए। ये केबिन था और यहां से रास्ता बंद था। अंदर आने का और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ये एडिटर का बेंच था और यहां मैं बैठा था। यहां पर वॉशरूम था। सिर्फ फोकस करो, हैमर के अलावा कुछ और पड़ा होगा, किसी के फुटप्रिंट्स हो? नहीं, यही है मेरे जहन में। बाहर बारिश हो रही थी, अगर कोई आता या जाता तो मिट्टी के निशान पड़ जाते। और बारिश कब से हो रही थी? जब मैं आया तो शुरू हुई थी और फिर तेज हो गई। बारिश शुरू होने के बाद कातिल आता तो पैरों के निशान जरूर आते। इसका मतलब कातिल तुम्हारे आने से पहले वहां मौजूद था और जब वो आया तब बारिश नहीं हो रही थी। तो फिर वो गया किधर? इधर।
पॉइंट तो है, लेकिन यही हुआ होगा ये हम कैसे कह सकते हैं? इस वक्त जो कुछ भी हमारे सामने है उसी को सच मानकर हमें पुलिस के सामने एक कहानी पेश करनी पड़ेगी। वैसे भी इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस एडिटर को तो हमने हल्का लिया हुआ था, ही इज क्वाइट फेमस, लेकिन अपने स्कैंडल्स की वजह से। इसका अखबार अपनी यूनिक कहानियों की वजह से बिकता है और इसका इंटरेस्ट लोगों के इंतहाई जाती मामलात में है, जिन्हें आम दुनिया तो पढ़ना पसंद करती है, लेकिन उनके बाद उन लोगों की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। फिर तो इसके बहुत से दुश्मन भी होंगे। हाँ, और क्रिटिक्स भी। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता करना ज्यादा मुश्किल है। ऐसा कदम वही उठा सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। ये इसका रीसेंट स्कैंडल है किसी जोया नामी लड़की के साथ, जिसकी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ टेप लीक हो गई थी और इस एडिटर ने उसकी कहानी पब्लिश कर दी और इसके बाद जोया ने खुदकुशी कर ली। सारे सोशल मीडिया पर हमारी रिकॉर्डिंग का तमाशा चल रहा है, अब हम क्या करेंगे? और पुलिस भी हमें अरेस्ट कर लेगी। अब देखो जोया, तुम फिक्र ना करो, मैंने पुलिस को पैसे देकर सारा मामला हैंडल करवा लिया है और वीडियोस भी डिलीट करवा दिए सोशल मीडिया से। जरूरत ही क्या थी तुम्हें ये सब करने की? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे पहले भी डिवोर्स हो गई थी, और अब ये किसी दिन हम दोनों तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से खतरे में पड़ जाएंगे। जोया रिलैक्स, आई नो बचकाना हरकत थी, लेकिन मैंने सॉल्व भी तो कर दिया ना मामला, एंड आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हेलो जी, मिस जोया स्पीकिंग। यस। अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, बस यही कहूंगा कि मैं एक न्यूज़पेपर का मशहूर एडिटर हूं, और आपकी और आपके बॉयफ्रेंड की जो सोशल मीडिया से वीडियोस हट गई थी मेरे पास मौजूद है। अगर आप चाहती हैं कि ये कहानी न्यूज़पेपर में पब्लिश ना हो, तो जो एड्रेस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ आज शाम आ जाइएगा, और हाँ अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं। हेलो हेलो, ओ मिस जोया आइए, आप ही का वेट था, बैठिए। चाय मंगवाऊं या कॉफी? देखिए मैं आपको नहीं जानती, आपको जितनी भी अमाउंट चाहिए मेरा बॉयफ्रेंड आपको दे देगा। अरे जोया मैडम, वो बेचारा तो अपने हिस्से की सजा भुगत चुका, आप भी तो बराबर की शरीक थी, थोड़ा बहुत आपको भी तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं समझी नहीं आपकी बात। मैं समझाता हूँ आपको। हम बर्बाद हो गए जोया। हुआ क्या? ये न्यूज़पेपर पढ़ो। इसके एडिटर ने हमारी स्टोरी पब्लिश कर दी है, और उसने ये भी लिखा है कि हमने पुलिस को पैसे देकर मैटर सॉल्व किए। We'll be right back.
ऐसे वक्त के फिरौन का ना मर जाना ही बेहतर था। लेकिन हम इस कहानी को इस मर्डर के साथ किस तरह लिंक करेंगे? जोया के बॉयफ्रेंड की मदद से। वो कैसे? जितना स्ट्रॉन्ग मोटिव जोया के बॉयफ्रेंड के पास है उससे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं हो सकता। अपनी पोस्ट में जोया के बॉयफ्रेंड ने लिखा था कि जोया ने सुसाइड से पहले एक लेटर में लिखा था कि कैसे एडिटर ने उसे हैरेस किया, जिसके बाद जोया के बॉयफ्रेंड को मोटिव मिल गया अपनी छिनी हुई मोहब्बत का बदला लेने का। तो जोया के बॉयफ्रेंड ने ये सब प्लान कैसे किया? ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। जोया का लेटर मिलने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उस एडिटर यानी हैदर को स्टॉक करना शुरू कर दिया, और जैसे ही तुम्हें बताया कि वो हर हफ्ते कराची जाता है, तो जोया के बॉयफ्रेंड ने ये बात भी पता कर ली होगी। अपनी इन्फॉर्मेशन को पक्का करने के बाद उसने ये किलिंग प्लान की होगी। जोया का बॉयफ्रेंड हैदर के स्टेशन पहुंचने से पहले ही वॉशरूम में छुप गया होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं जहां किलिंग पॉसिबल हो। तुम साथ बैठे थे इसलिए उसने मौके का इंतज़ार किया। जब तुम्हारी आंख लग गई तो वो बाहर आया, हैदर के सर पर हैमर से वार किया। तुम्हारी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उसने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैमर पर लगा दिए और वहाँ से बिना कोई निशानी छोड़े चला गया। स्टोरी तो सॉलिड है, लेकिन क्या पुलिस इससे कन्विंस होगी? इतना कन्विंस तो हो जाएगी कि तुम्हारा अरेस्ट वारंट खत्म करते हैं। तो ठीक है, मुझे स्टोरी पर भरोसा है, इसी को लेकर चलते हैं। लेकिन जाने से पहले मेरा एक सवाल है तुमसे। पूछो। कहते हैं कि अपने डॉक्टर और वकील से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। उस एडिटर का कत्ल तुमने किया था? हाँ। क्यों? ये जोया नामी लड़की जिसकी तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना, वो मेरी एक्स वाइफ थी। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तुमसे दो मर्तबा पूछा, पहले तुमने कहा कि तुमने उसका कत्ल नहीं किया और अब कहते हो हाँ। मैंने एडिटर का कत्ल अपने नॉवल में किया है, रियलिटी में नहीं। क्या मतलब? रियलिटी में तो ना एडिटर का कत्ल हुआ है और ना ही मेरा कोई अरेस्ट वारंट है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? कभी कहते हो तुमने कत्ल किया है, तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। कभी कहते हो तुमने कोई कत्ल नहीं किया, ना ही कोई अरेस्ट वारंट है। और जोया, ये तुम्हारी एक्स वाइफ भी थी या नहीं? ये सच है, जोया मेरी एक्स वाइफ थी। हम खुश थे, हमने अपनी जिंदगी बना ली थी। लेकिन वो कहते हैं ना, दुखों के दरमियान खुशी मिलना ही जिंदगी का नाम है। जोया का अफेयर पकड़े जाने के बाद मैंने उसे डिवोर्स दे दी थी, लेकिन मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उसके चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी के जाने से उसके साथ जुड़े एहसासात, जज्बात, वो यादें, वो सब नहीं जाती। लेकिन मैंने सब्र कर लिया क्योंकि वो अपने नए रिश्ते में खुश थी। लेकिन उसकी सुसाइड का सुनकर मैं एक रात भी चैन से सो नहीं सका। हाँ, ये सच है कि मैं कल उस एडिटर से वहाँ स्टेशन पर मिला था और मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं उसे बदला लूँ। दिल तो कर रहा था उसे वहीं मार दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा सबसे बड़ा हथियार वो तो मेरी कहानियाँ हैं, तो क्यों ना इस पर कहानी ही लिख दूँ। तो तुम मेरे पास क्या लेने आए थे? मुझे असल में समझ नहीं आ रहा था कि हैदर को मारने के बाद मैं खुद को कैसे बेकसूर साबित करूं, और मैं इसलिए तुम्हारे पास आया, और देखो तुमने मुझे निकाल भी दिया। तो तुमने ये सब सिर्फ अपनी कहानी मुकम्मल करने के लिए किया? हाँ, लोग तो असल में कत्ल कर देते हैं, मैंने तो बस एक कहानी में ही किया है।